हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखते हैं पपेट वॉप टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सबसे पहले हम देख लेते हैं पपेट वॉप टूल। उसके लिए मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सिंपल शेप यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए या इसको रीटच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक वेव टाइप अगर इफ़ेक्ट चाहिए तो इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ, या विंड में अगर कोई कपड़ा उड़ रहा है उस टाइप का इफेक्ट अगर हमें चाहिए तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बेसिकली फ्लो देने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये टूल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि क्लिक करने के बाद ये ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट्स ऐड हो गए और यहाँ पे ये मेश हमें दिख रहा है कुछ। अगर आपको ये मेश नहीं चाहिए तो प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स हमने क्रिएट किए यहाँ पे थ्री पॉइंट्स काफ़ी हैं, इनफ है। तो इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना है। तो ये देखिए ये फ्लो की तरह बेंड हो रहा है पूरा, क्योंकि अगर हम पूरे शेप को बेंड करने की कोशिश अगर करते सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ये आउटलाइन को कर सकते हैं लेकिन शेप को नहीं कर सकते। तो इसका यूज़ करके, पपेट वॉप टूल का यूज़ करके हम इसको ऐसे बेंड कर सकते हैं। तो फ्लो अगर हमें दिखाना है तो ये हो गया। इसको हम मूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, क्लिक एंड ड्रैग अगर हम करें तो। और वापस मैं अभी इस फर्स्ट क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, और थोड़ा सा अगर हम ड्रैग करें जो सर्कल हमें दिख रहा है, ये देखिए ये पिन हमें दिख रही है अभी, और सर्कल की तरफ जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये रोटेशन का सिंबल हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं शेप को। ये देखिए ये कुछ इस तरह से, ये अंडू कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखने के लिए मैं एक रेडीमेड एक ट्यूटोरियल है वो ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है एक फाइल। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि लड़की ये साइकिल पे जा रही है। तो साइकिल पे जा रही है इसका मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ी स्पीड में होगी। तो जैसे कि इसके बाल यहाँ पे विंड में उड़ रहे हैं लेकिन ये स्कार्प बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रेंज दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हमको इसको दिखाना है कि विंड में ये उड़ रहा है तो हम पपेट वॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस या मैक के अंदर कमांड प्लस। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैं ये देखिए क्लिक क्लिक और ये क्लिक, और वही मैं प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे, और ये देखिए और थोड़ा सा इसको अंडू, तो अभी ये लग रहा है कि थोड़ा सा जो विंड का फ्लो है उस विंड के फ्लो में ये उड़ रहा है, उस तरह का इफेक्ट आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे फ्लो देने के लिए पपेट वॉप टूल का यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसमें और एक पैनल आता है विगेट, यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रा। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होगा, जो हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं जब शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में आता है। तो सेम काम ये ऑप्शन करेगा कंस्ट्रेंट। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे, या ऑन कर दिया है ऑलरेडी, तो ये देखिए हाइट और विड्थ यहाँ पर प्रोपोर्शन में आएगी कुछ इस तरह से। विदाउट मैंने कोई शिफ्ट की वगैरह प्रेस नहीं किया फिर भी ये प्रोपोर्शन में आ रहा है क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन है। और अगर हम रोटेट भी करेंगे, अगर ऑप्शन ऑन है रोटेट करेंगे तो 45 डिग्रीज के एंगल में ये देखिए 45 90 45, ये ज़ीरो। तो 45 डिग्री के एंगल में जैसे हम शिफ्ट की प्रेस करने के बाद होता है वही काम ये करेगा। अगर हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये देखिए ये
कुछ इस तरह से फिर ये ट्रांसफॉर्म होगा, और इसको ऑन करने के बाद ये कांस्टेंट या प्रोपोर्शन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ ऑप्शन है, जैसे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, तो ये पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए दो पॉइंट पर्सपेक्टिव हम कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से, जो भी दो पॉइंट्स हमको चाहिए उसको हम कर सकते हैं अंडू, ये देखिए पर्सपेक्टिव। और नीचे जो लास्ट ऑप्शन है फ्री डिस्टॉर्ट, उसका थोड़ा सा अलग से यूज़ होगा। इससे क्या होगा कि चारों कॉर्नर्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इसको ये जो चारों कॉर्नर्स है सारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ टाइप कर देता हूँ, तो थोड़ा अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर लिया, ये देखिए टाइप करने के बाद इसको मैं क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ। ये देखिए क्रिएट आउटलाइंस, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और ये लास्ट ऑप्शन मैं फ्री डिस्टॉर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए चारों कॉर्नर से सेपरेट करेगा, इंडिपेंडेंट करेगा, कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ये देखिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डिसलेक्ट, तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो यही हम यहाँ पे इस जो यहाँ पे अपने पास एक फाइल है उसमें हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे और एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे रोड है, तो लेकिन रोड कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे लग रहा है। तो हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रोड सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल से, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन टूल, और मैंने सिलेक्ट कर लिया, जाता हूँ अब मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। तो ये देखिए ये पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से, तो अभी ये रोड बेटर लग रहा है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन ये अभी ये जो पैचेस हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रिप्स रहती हैं रोड के बीच में वो स्ट्रिप्स मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये पहले से बेटर लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इसको हम यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से स्क्यू भी कर सकते हैं, शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो ये स्क्यू भी हो गया। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ स्क्यू मतलब क्या है, इसको अंडू कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया, तो स्क्यू, ये देखिए स्क्यू मतलब ये, इसको स्क्यू बोलते हैं, ये स्क्यू भी, ये सारे ऑप्शंस एक ही टूल कर देगा, तो स्क्यू भी कर देगा। ये हम टेक्स्ट को या किसी शेप को भी कर सकते हैं, ये देखिए शेप मैंने ले लिया और ये हमने इसको कर दिया स्क्यू, ये देखिए स्क्यू, शिफ्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। अंडू वर्टिकल भी कर सकते हैं ये स्क्यू, तो ये स्क्यू हमने यहाँ पे कर लिया, ये स्क्यू कर दिया। अभी हमको दो ऑप्शंस यूज़ करने हैं, सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, और फ्री ट्रांसफॉर्म ऑन करके मुझे सबसे पहले इसको करना है पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये देखिए ये पर्सपेक्टिव करना है हमें, ये हो गया पर्सपेक्टिव, और इसके बाद में मुझे वापस फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करके इसको स्क्यू करना है। ये देखिए स्क्यू, थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ ऊपर की तरफ, तो अभी थोड़ा ये रियलिस्टिक लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इन सारी वैल्यूज के साथ प्ले करके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारे टूल्स के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू एंड आई सी यू।